बिहार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। समस्तीपुर रेल मंडल के हसनपुर रोड से बिथान के बीच जो है जल्द ही ट्रेन शुरू होने जा रही है, और इसको लेकर रेल मंडल जो है वो कागजी प्रक्रिया में जुटा हुआ है और रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव के लिए भेजा जा चुका है। जैसे ही बोर्ड से अनुमति मिलती है उसके बाद जल्द ही इस पर ट्रेन जो है वो चला दी जाएगी। आपको थोड़ा सा ये भी बताते हुए चलूँ कि 50 सालों से निर्माणधीन ये रेलखंड है और हसनपुर रोड से सकड़ी के बीच 79 किलोमीटर लंबी रेलखंड का निर्माण लगभग 50 साल बाद जो है वो पूरा हो रहा है। और हसनपुर रोड से बिथान के बीच जो निर्माणधीन रेलखंड है वो पहली बार ट्रेन परिचालन को लेकर लोगों को काफ़ी उम्मीदें जो है वो बंधी हुई है, और इससे जहाँ परिचालन में सुविधा होगी वहीं रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। और हसनपुर रोड से बिथान के बीच लगभग 11 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक को हरी झंडी मिल चुकी है, और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अगर बात की जाए तो हसनपुर रोड से बिथान के बीच फिलहाल एक जोड़ी सवारी गाड़ी का परिचालन किया जाएगा और दूसरे ट्रेनों के परिचालन को लेकर बाद में निर्णय लिया जाएगा। हालांकि कितनी ट्रेनें चलाई जाएगी इसको लेकर फिलहाल रेलवे प्रशासन द्वारा जो है कुछ भी स्पष्ट बताया नहीं जा रहा है। रेलवे बोर्ड से आदेश आने के बाद ही ट्रेन के परिचालन का जो है वो निर्णय लिया जाएगा। 28 अप्रैल को ही हुआ था स्पीड ट्रायल और हसनपुर रोड से बिथान नए रेलखंड पर 28 अप्रैल को CRS द्वारा निरीक्षण किया गया, और इसके बाद बिथान से हसनपुर रोड के बीच स्पेशल निरीक्षण ट्रेन से जो है स्पीड ट्रायल किया गया था, और इस दौरान 110 किलोमीटर की रफ्तार से जो है वो ट्रेन चलाई गई थी। और इसके बाद CRS ने इस रेलखंड पर 90 की स्पीड से ट्रेन चलाने का को लेकर जो है हरी झंडी दे दी है। हसनपुर रोड से सकड़ी रेल परियोजना के तहत हसनपुर रोड से बिथान तक पहली बार परिचालन होना है, और जबकि सकड़ी से हरिनगर तक ट्रेन का परिचालन हो रहा है, और इस रेलखंड पर हरिनगर से बिथान तक रेलखंड जो है वो निर्माणाधीन है। और इस रेलखंड के अधीन आने वाले स्टेशनों में हसनपुर, बिथान, कोड़ाही, कुशेश्वर स्थान, हरिनगर, बिरौल, नेउड़ी, बेनीपुर, जगदीशपुर, सकड़ी है, और इस रेलखंड पर 45 गुमटी भी का भी जो है निर्माण होना है। और 79 किलोमीटर लंबे हसनपुर सकड़ी रेलखंड पर कुल 45 गुमटी और 82 छोटे और बड़े पुल हैं निर्माण होना है। और इसके अलावा 7 रेलवे स्टेशन बिथान, कोड़ाही, हरनगर, बिरौल, नेउली, बेनीपुर, जगदीशपुर और 3 जंक्शन हसनपुर सकड़ी का निर्माण हो चुका है, जबकि कुशेश्वर स्थान का निर्माण अभी भी होना है। और जबकि तीसरे चरण में जो है सकड़ी हसनपुर रोड नई रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत पहले चरण में 36 किलोमीटर लंबे सकड़ी बिरौल तक जो है, दूसरे चरण में बिरौल से हरनगर तक निर्माण हुआ, और उसके बाद जो है तीसरे चरण में हसनपुर रोड से बिथान तक का काम जो है वो पूरा कर लिया गया है, और चौथे चरण में बिथान से कुशेश्वर स्थान और कुशेश्वर स्थान से हरिनगर तक का कार्य जो है वो निर्माणाधीन है। अभी उस पर काम चल रहा है, इसको पूरा होना है, तो चौथे चरण में ये पूरा हो जाएगा ये रेलखंड। तो 50 सालों का सपना पूरा होने जा रहा है और हसनपुर रोड से बिथान के बीच जल्द ही ट्रेन सेवा जो है वो शुरू होने जा रही है। तो दोस्तों, ये थी बड़ी अपडेट। आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट जो आपको मिलती रहे। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल।